प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमसे संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम संख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। संख्या जैसे 26, 36, 37, 38 कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रश्न में लिखा है दो अंकों की संख्या, तो यहाँ पर हमें दो अंक ही लेना है। अगर हम इस तरीके से ले लें, यदि 103 तो यहाँ पर तीन अंक हो जाते हैं, तो तीन अंकों वाली संख्या नहीं लेनी है हमें, यहाँ से दो अंकों वाली संख्या लेनी है, यानी 10 से 99 के बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको ध्यान से समझना है, जब भी आपसे दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कहा है तो दो अंकों वाली संख्या में एक तो इकाई का अंक होता है और दूसरा दहाई का अंक होता है, लेकिन हमें दुविधा ये है कि हमें दोनों ही पता नहीं है। तो और आखिरी में उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हमें संख्या के लिए हमें संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, y है। तो इस हिसाब से संख्या का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये आपको संख्या का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है ये देख लेते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको आखिरी में पढ़ना है क्या लिखा है। आखिरी में लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपको कौन सी ज्ञात करना है, दो अंकों की। तो हम इसके लिए मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो चलिए सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक आप लोगों को मान लेना है x और दहाई का अंक क्या मान लेना है, y। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या का फॉर्मूला आपको लगा देना है। संख्या का सूत्र होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पर हम 10 ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, हमने दहाई का अंक माना हुआ है बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई 10 बाई 10 का गुणा बाई में होगा तो 10 बाई, प्लस लगा है तो आपको प्लस लगा देना है, और इकाई का अंक कितना है x, तो यहाँ पर आपको लिख देना है x। तो हमारी संख्या जो बनी हुई है वो कितनी है, 10 बाई प्लस x, ये हमने संख्या बना ली। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये सबसे प्रथम जो बात कही गई है वो ये है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और यहां पर हमें दिया गया है फर्स्ट शर्त से हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दोनों अंकों की संख्या में दोनों का योग कितना है, अंकों का योग 9 है, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों अंकों का योग कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 9। तो हम यहाँ पर एक स्टेप बना सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं कि x प्लस y दोनों का योग है कितना, 9 है। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं क्योंकि ये समीकरण बन चुका है पहली ही शर्त से। अब हमें समीकरण 2 भी बनाना है और उन्हें विलोपन से सॉल्व कर देना है। तो समीकरण 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड शर्त से, और सेकंड शर्त में आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। इसमें यहाँ तक फर्स्ट शर्त हो चुकी थी, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या हमारी कितनी है 10 वाई प्लस एक्स, इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना, यानी हमारी संख्या है 10 बाई प्लस एक्स जो हमने अभी बनाई हुई है, तो ये संख्या है, इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले तो 10 बाई प्लस एक्स, और इसका है 9 गुना। तो यहाँ पर आप 9 का गुणा कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि संख्या के अंकों को पलट देने से, यहाँ पर आप प्रश्न में देख सकते हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो यहाँ पर जो संख्या है इसके अंकों को हम पलट देते हैं, तो अंकों को पलटने से क्या हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा और y इधर पहुँच जाएगा। तो हमारी जो अंकों को पलटने के बाद नई संख्या बनने वाली है वो क्या बनेगी, 10x प्लस y। तो यहाँ पर पहले था 10y प्लस x, अब हो जाएगा 10x प्लस y।
तो ये अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तो हमने यहाँ तक इसको कवर कर दिया है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो यहाँ पर दोगुना का मतलब आप जानते हैं, दो का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सेकंड शर्त से ये स्टेप आपको जमा लेना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 नाम 90 बाई प्लस 9 का x में गुणा होगा तो ये आएगा 9x बराबर, यहाँ पर 10 दूनी 20x और 2 का y में होगा तो 2y। इसके बाद आपको x y सभी को इस तरफ कर लेना है, तो 90 बाई प्लस 9x माइनस 20x और माइनस 2y। यहाँ पर प्लस का जो 20x था इसका पक्षांतर इस तरफ कर दिया तो माइनस का हो गया है, और ये जो प्लस का 2y था इसका पक्षांतर भी इस तरफ कर देना है तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आपको मिलने वाला है 0। अब यहाँ पर 20x में से 9x आपको घटा देना है तो आपको मिलेंगे 11x, और बड़ी संख्या जो थी वो माइनस की थी इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा, और 20x में से 9x जाएंगे तो ये आएगा 11x। यहाँ पर आपको 90y दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर आपको 2y दिया गया है, तो आप 90 में से जब 2 घटाएंगे तो 88 आएगा, वो भी पॉजिटिव यानी प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बड़ी संख्या थी वो प्लस की थी। बराबर में आएगा 0। आप यहाँ से 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा, सबसे पहले तो ये माइनस आगे लगा है तो इसको हम हटाएंगे तो माइनस से गुणा करेंगे, तो ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, जबकि प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा 11x और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 88y = 0। यहाँ पर ऋण से गुणा किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऋण चिन्ह से गुणा, चिन्ह से गुणा करने पर। अब ये इस तरीके के बनेगा। अब यहाँ पर 11 का भाग चला जाता है तो हम यहाँ दे देंगे 11 8 88 यानी 8y = 0। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुके हैं, अब हम इन्हें विलोपन से सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोनों को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और दोनों को विलोपन से सॉल्व करना है इसलिए हम पहला समीकरण लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है x माइनस 8y = 0। अब इसको सॉल्व करना है, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो विलोपन विधि जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, उसकी प्रोसेस ये होती है, हम गुणांकों को समान करते हैं। जैसे यहाँ पर y लिखा है यहाँ, तो यदि हम y के गुणांकों को भी समान कर सकते हैं तो y का गुणांक यहाँ पर कितना है 8 और y का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, या फिर हम x के गुणांकों को भी विलुप्त करेंगे तो उसके गुणांकों, तो यहाँ पर आप x के भी कर सकते हैं और y के भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर, मैंने आपको y से सिखाया है इसलिए y से ही कर देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर y के साथ में कितना लिखा है 8 और यहाँ y के साथ में कितना लिखा है 1, तो y का जो गुणांक है वो होगा 8, तो 8 का गुणा समीकरण नंबर 1 में पूरे में आपको कर देना है। जैसे 8 का गुणा x में होगा तो आएगा 8, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 में 8 का गुणा, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, तो ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए 8 से कर देते हैं, 8 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा 8x, तो यहां पर हम लिख देते हैं 8x, 8 का गुणा y में करेंगे तो आएगा 8y = 8 का गुणा 9 में कर देंगे तो 8 नाम 72 होता है, यहाँ 72, ये एक नया समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये ज्यों का त्यों आएगा, तो x माइनस 8y = 0। आप चाहें तो x का गुणांक में आप केवल यहाँ पर घटा सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने y से आपको बताया है तो y से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हम समीकरण 4 बना सकते हैं इसको। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो है असमान चिन्हों में विलोपन विधि का नियम है, असमान चिन्हों में जोड़ने पर होता है और समान चिन्हों में घटाने पर। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर असमान चिन्ह है, तो हम जो अपना नियम लगाएंगे असमान चिन्हों में आपको याद रखना है जोड़ने पर और समान चिन्हों में घटाने पर, हमें बाई के ही चिन्ह देखना है केवल, असमान चिन्ह है दोनों के इसलिए हम क्या लिखेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर में कोई भी चिन्ह नहीं बदलते हैं जबकि घटाने में हम चिन्ह बदल देते हैं।
तो चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 8 और 1 मिल जाएगा 9x, और यहाँ पर है 72। इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो चलिए 9x बराबर 72 को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला था 9x बराबर 72, इसको हम x बराबर निकालेंगे 72, और गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में आ जाएगी, तो यहाँ पर 9, तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ये विलोपन विधि का नियम है, तो हम रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 जो है उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, यहाँ से x का मान आप रख सकते हैं, x की जगह पर 8 रख देना है आपको, प्लस y बराबर 9, ये प्लस का 8 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो y बराबर आपको मिलने वाला है 9 माइनस 8, यानी कि 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, ये y का मान है 1। अब इसके बाद हमने इकाई और दहाई के जो अंक माने थे उसी हिसाब से हम लिखेंगे, आता है। इकाई का अंक जो माना था हमने वो कितना माना था, x। इकाई का अंक मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ माना हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इकाई का अंक 8 मान लेंगे और दहाई का अंक 1, क्योंकि इकाई का अंक हमने x माना हुआ था और दहाई का अंक कितना माना था, 1। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन अभी हमारे पास केवल जो फॉर्मूला है वो है इकाई दहाई के अंक ही पता है, तो संख्या का फॉर्मूला लगा देंगे आप और यहाँ से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई का अंक, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 गुणे 1 प्लस 8, ये संख्या ज्ञात हो जाएगी, 10 एकम 10 प्लस 8 यानी कि 18 जो होगी वो संख्या होगी। इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।